हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एबलेज ट्रेडर पे। देखिए दोस्तों, यह स्केल्पिंग स्ट्रेटेजी जो हम लोग 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये 3 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से सिग्नल जनरेट करता है और यहाँ आप लोग का ज़्यादा सिग्नल नहीं मिलेगा और जो भी मिलेगा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मिलता है, फिल्टर होके आता है। तो देखिए, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है और टाइम फ्रेम 3 मिनट से, और देखिए 11 जुलाई का है। मार्केट यहाँ पे 9:15 को मार्केट हुआ और यहाँ पे एक शॉर्ट सिग्नल बना, और इस शॉर्ट सिग्नल जहाँ पे बना है इसका हाई और लो को मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया और यहाँ से 35,256 से यहाँ नीचे आ गया है 221 तक। उसके बाद यहाँ पे ऐसे हिट हो जाता आप लोग का। उसका देखिए, यहाँ पे फिर से 12:48 में एक कल जनरेट हुआ है जो कि लॉन्ग साइड का है। तो इसका हायर लो को मार्क करते हैं, इसका हाई को मार्क करके अगर इसको ब्रेकआउट करता तो हम लोग यहाँ पे 35,300 का अगर कल बाय कर लेते हैं तो देखिए कहाँ तक के मार्केट आ गया है, 35,482 तक। आपको यहाँ पे 150-200 पॉइंट मिल गया है और ये बहुत ही कम सिग्नल जनरेट होता है 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। स्केल्पिंग स्ट्रेटेजी जबरदस्त वार करता है यहाँ आप लोग को। यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पे ये शॉर्ट का सिग्नल बनेगा उसका हायर लोग को मार्क कर देना है, और ये जहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा तो वहाँ पे आप लोग को पुट साइड बाय करना है, और उस कैंडल का जहाँ पे शॉर्ट सिग्नल दिया होगा उस कैंडल के थोड़ा ऊपर आप लोग को वहाँ पे आप लोग को एसएल रखना है। जैसे यहाँ पे भी लॉन्ग का सिग्नल जनरेट किया है तो उसका हायर लोग को मार्क कर देते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम इसका हायर लो को मार्क कर देते तो इसका लो को जैसे ब्रेकडाउन करता है यहाँ पे हम लोग पुट साइड बाय कर लेते और यहाँ पे नेक्स्ट सिग्नल तक वेट करते या तो फिर इसका एसएल तक वेट करते। तो देखिए ये कैसा परफॉर्मेंस क्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग साइड का सिग्नल बना उसका हायर लो को मार्क कर देते तो यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। फिर उसके बाद आके यहाँ पे रिटेस्ट किया है। देखिए यहाँ पे भी आप लोग एग्जिट कर सकते थे या तो फिर आप उसको वेट कर सकते थे, और देखिए यहाँ पे मार्केट कितना बड़ा पॉइंट दे दिया है बैंक निफ्टी का। इसमें आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अगर अच्छा खासा प्रॉफिट लेना है इस इंडिकेटर के साथ तो आप लोग को वहाँ पर नेक्स्ट सिग्नल तक वेट करते या तो फिर अपना हिसाब से ऐसे लगा लीजिएगा आपको जितना लॉस सहना है। चलिए देख लेते हैं निफ्टी का। देखिए फ्रेंड्स, ये है निफ्टी का। निफ्टी में देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सिग्नल जनरेट हुआ है। देखिए पहला इतना बड़ा कैंडल बना, अगर हम लोग को पहले कैंडल में ही इतना बड़ा कैंडल बन जाता है तो हम लोग उसको अवॉइड कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉन्ग साइड का एक सिग्नल जनरेट किया, इसके हाई को मार्क कर देते तो यहाँ ब्रेकआउट किया, हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेते और एस एल इसका थोड़ा नीचे रहता तो यहाँ पे एस एल हिट हो जाता, छोटा सा पॉइंट था। यहाँ पे भी इस शॉर्ट का सिग्नल जनरेट किया, इसके हायर लो को मार्क कर देते तो उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आया। उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्स मारा और यहाँ पे आप लोग को एसएल हिट हो जाता। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग का सिग्नल बना 12:57 पे और इसका हायर लो को मार्क कर देते और वेट करते तो देखिए यहाँ पे हम लोग को कितना 16,150 का अगर कल ले लेते तो यहाँ तक हम लोग वेट करते हैं 16,228-30 तक। तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे कितना पॉइंट का मोमेंटम दे दिया है। तो किसी का अगर ये इंडिकेटर चाहिए, स्केल्पिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो आप लोग इसको 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट्स में भी इसको यूज कर सकते हो। और ये 3 मिनट्स में क्या होता है ना, यहाँ आप लोग का सिग्नल जनरेट बहुत कम ही होगा लेकिन जो भी मिलेगा परफेक्ट वाला मिलेगा। अगर स्केल्पिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका प्राइस मैं ज़्यादा और ज़्यादा नहीं रखा हूँ, ओनली 5,000 रखा हूँ, ठीक है। किसी को अगर चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। ओके, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।